सुधा फैक्ट्री में आपका स्वागत है। आपको दिखा रहे हैं लगातार जनता की आवाज, जनता के साथ सीधी बातचीत, जानते हैं जनता का कैसा अनुभव है डेरा सच्चा सौदा संस्था के साथ। हमारे साथ वेल एजुकेटेड लड़कियां जुड़ रही हैं जो आज भी आश्रम में पहुंची हुई हैं, दिखाते हैं इनके साथ बातचीत। नमस्कार मैम, आपका गुड नेम? मेरा नाम रुचिका इंसा। रुचिका जी, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैं अभी बीए में परस्यू कर रही हूँ, लास्ट ईयर में। मैम, डेरा सच्चा सौदा संस्था को आप कितने समय से जानते हो? मुझे बहुत टाइम हो गया है इस संस्था से जुड़े हुए। और कैसा महसूस करते हो मैम यहाँ पर बीइंग गर्ल, आप कैसा महसूस करते हो? बहुत ज़्यादा सेफ फील करते हैं। ऐसा इन्वायरमेंट कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा जो इन्वायरमेंट आपको यहाँ देखने को मिलता है। मैम, कभी ऐसा लगा हो जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा था? बिल्कुल भी नहीं, सब झूठ है एक तरह से। बस राजनीतिक खेल जो चल रहे हैं उनके बेस पे जो ये बोलते हैं, ये सब एक तरह से गलत है। मैम, जो तमाम आरोप लगाए गए हैं संत जी के ऊपर, उसके बारे में क्या लगता है? वो भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर वो जो आरोप लगा रहे हैं उन्होंने कोई वेरिफिकेशन कोई कुछ नहीं किया हुआ, अगर वो खुद यहाँ पे डेरे में आके खुद यहाँ पे थोड़ी दिन रह के यहाँ पे एक्सपीरियंस करें, तो वो एक्सपीरियंस वो मैच नहीं करेगा जो वो खुद बयान देते हैं उसके बारे में। फिर सच क्या है, मतलब यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए या समाज के लिए किस तरीके के कार्य संत जी करते हैं? कार्य हमारे 137 वेलफेयर वर्क्स अभी शुरू हुए हैं और तमाम लोग ये देख सकते हैं कि उन पे चलते हुए उस वेलफेयर के जितने भी वर्क्स इस टाइम पे चल रहे हैं उसको, मतलब साथ संगत इतने दृढ़ विश्वास के साथ इतनी ज़्यादा एंथुजियाज़म के साथ परफॉर्म करती है और उसमें सभी लोगों का, मतलब सभी लोगों की भलाई हो रही है, किसी का कोई लॉस नहीं है। ज़रूरत है मैम आज संत जी की समाज को? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारा आज का जो वर्ल्ड जो अपने डायरेक्शन है यूथ की, वो बहुत ज़्यादा गलत जा रही है और यूथ ही हमारा फ्यूचर है। अगर फ्यूचर ही हमें सेव करना है तो हमें ऐसे संत की ज़रूर ज़रूरत है। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से संत जी के लिए? हम यही अपील करते हैं कि हमारे गुरु जी को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए और उनके जो वेलफेयर वर्क्स हैं उनको भी बढ़ावा दिया जाए, उनके वेलफेयर वर्क्स को ज़्यादा दिखाया जाए, ताकि उनके जो गलत आरोप लगे हुए हैं उनके जी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, लगातार आपको दिखा रहे हैं वेल एजुकेटेड लड़कियां हमारे साथ जुड़ रही हैं जो आज भी आस्था विश्वास रखती हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह चुनसा के साथ। आप भी देखते रहिए ऐसी सच्ची बातें फैक्ट्स के साथ द फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।